यहाँ जिंदगी अजीब हो गई। बच्चा पहले उसको मोबाइल नहीं तो थोड़ा अब तो आपको देना मजबूरी है उसको। वो कहता मेरी क्लास ही नहीं होगी ऑनलाइन, अब आपको क्या पता वो पढ़ रहा है क्या कर रहा है। अच्छा मैंने कुछ बच्चों से पूछा, हाँ भी पढ़ाई कैसी है मेरे, कह रहे हैं बड़े बाबा कान में लगा के मैं तो सो जाता हूँ, क्लास चलती रहती है। यार ये सही है, कह रहा स्कूल खुलने नहीं चाहिए अब। मैंने क्यों भाई, कह रहा पास हो जा रहे हैं हो जा रहे हैं। एक दोस्त मिले कहता उनका तो बच्चा, कह रहा अल्लाह करे ये वजीर जन्नत में जाए, ये स्कूल बंद कर रहे हैं, इंटरव्यू निकल गया है, यूनिवर्सिटियां भी इसी बहाने निकल जाएं। अजीब उसमें है, खवातीन के अलग मसाइल है, कान लगा हुआ इधर लगा हुआ इधर लगा हुआ कुछ नहीं तो वो खाने बनाने की वीडियो। अच्छा वो गांव देहात की वीडियो बहुत होती हैं आजकल, आप देखें हमारे पाकिस्तान की, क्योंकि बहरहाल हम तो दुनिया में हर जगह जाते हैं हर तरह की, लेकिन गाँव देहातों में खाने बन रहे हैं, ये बन रहा है, गाँव की ज़िंदगी कैसे होती है, सब वीडियो। हमारी खवातीन भी वीडियो देखती रहती हैं, ये खाना कैसे बनेगा वो खाना कैसे बनेगा, हजारे वीडियोज हैं आजकल, वो तो पैसा कमाते हैं आप वीडियो देखते हैं, और यहाँ देखते रहते हैं, लेकिन बनता वही है जो आता है बनाना। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज आपको जश्न की वजह से अच्छा खाना मिलेगा। जाने तो आप उधर देखें उलमाओं की सीरत, इमाम खुमैनी की जौजा ने सूप बनाया, सूप पेश किया, इन्होंने चखा नमक कम था, इन्होंने जौजा से पानी की दरख्वास्त की कि पानी ले आए, इतना वक्त था कि सूप के एक प्याले में नमक आता, इन्होंने अपनी जौजा के प्याले में नमक डाला ताकि उसे एहसास ना हो कि उसने जो बनाया है उसमें नमक नहीं है। हमारे यहाँ जरा सा तीखा हो जाए ठंडा हो जाए, इतना मैं कम करके आया, तेरे को रोटी नहीं बनती। जाने वतन बहरहाल अर्ज़ाए मजाक है कि आप बहरहाल डिप्रेशन में ना आए और मुस्कुराते रहें इसी तरह अहले बैत की मोहब्बत में। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लगता है, इसी ने दुनिया को आज बड़ा आर्टिफिशियल कर दिया है, खोखला कर दिया है। आज हर चीज़ डिस्पोजेबल है, आज हर चीज़ बनावटी है, इंसान का किरदार भी ऐसे ही हो गया है। आज आप देखें माशरे में नाचाकियाँ लड़ाइयाँ, ये सब इसी वजह से है कि हम इस दुनिया में फंस गए हैं।